हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक फ़ोटो को आप एक ब्लूर कर सकते हैं, एक अच्छा सा बैकग्राउंड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी ऐसा आपने फोटो लिया तो पीछे में जो भी चीज़ होता है उसको आप कैसे हटा सकते हैं, कैसे उसको गायब कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा आज। तो आप प्लीज़ इसे लास्ट तक देखें, आप अच्छे से समझ जाएंगे कैसे आप इसको अच्छे से एडिट कर सकते हैं, कैसे आप इसको ब्लूर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि सबसे पहले आप यूसी ब्राउज़र जाके, या कोई भी आपके पास जो ब्राउज़र है, मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप यूसी ब्राउज़र ही यूज़ करें या यूसी मिनी यूज़ करें। तो आप यूसी ब्राउज़र में जाके, और हाँ एक और बात मैं आपको बोलता हूँ कि प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो ये आपको अपडेटेड वर्जन मिलेगा। ठीक है, तो अपडेटेड वर्जन में आप उसको एडिट नहीं कर सकते, बहुत नहीं है न्यू फंक्शन है, और आप वो मैं भी नहीं समझ सका कि कैसे कर सकते हैं। तो आप पुराने वाले वर्जन को आपको डाउनलोड करना है, तो यूसी मिनी पे जाके आप सर्च करें ऑटो फोकस प्रो। ये देखिए मैं कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो फोकस प्रो। ठीक है, ये इंस्टॉल कर ले अपने फ़ोन में। ठीक है, ओल्ड वर्जन में आपको हमेशा बोल देता हूँ कि आप ओल्ड वर्जन सर्च करें। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे करें। तो सबसे पहले आपने इंस्टॉल कर लिया, तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आप इस पर क्लिक करें, ये खुला ऐसे करके। यहाँ पे चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, टेक फोटोज, सेलेक्ट फ्रॉम एल्बम, टेक टू फोटोज, लोड फोटो, लोड प्रोजेक्ट। तो आप क्लिक करें सेलेक्ट फ्रॉम एल्बम पे, सेलेक्ट फ्रॉम एल्बम किए तो यहाँ पे वो गैलरी से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गैलरी से कनेक्ट होने के बाद आपको कोई भी फ़ोटो, इसे आपको जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। जैसे ये मैं आपको बताता हूँ कि नहीं यहाँ पे तो नहीं है, आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये इमेज है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे फोटोज है बहुत सारे। ठीक है, जैसे कि आप एक मिनट प्लीज़, मैं आपको एक ही फोटो ये फोटो कर एडिट करके दिखाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है। ठीक है ना, विच मेथड डू यू टू प्रेफर द सेलेक्ट द फोकस एरिया, स्मार्ट और मैनुअल। तो मैं हमेशा स्मार्ट यूज़ करता हूँ, क्यों यूज़ करता हूँ मैं आपको बता दूंगा कि क्यों यूज़ करता हूँ एडिट करने के बाद। ओके, तो स्मार्ट पे तो उस पर क्लिक करके आप कंटिन्यू करें। ओके, तो ये आ रहा है वीडियो, आप वीडियो भी देख के कर सकते हैं कैसे करना है। तो सिंपल बताता हूँ कैसे करना है। तो ये रखा है मेरा फ़ोटो है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ फोकस, तो फोकस पे है कि आपको कौन सा, मतलब आपको किस किस जगह को, मतलब फोकस मतलब आप रखना चाहते हैं और बाकी सबको ये ब्लूर करना चाहते हैं। ठीक है, तो फोकस पे क्लिक करके आपको जो भी फ़ोटो जो भी रखना है उस पर अच्छे से डिज़ाइन कर लें कि आपको कौन सा फ़ोटो को ये करना है। ठीक है, तो मैंने ये कर रहा हूँ, देखिए मेरे को ऐसा रखना है। ठीक है ना, इतना पार्ट रखना है मेरे को, ये ब्लूर नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये ऐसा हो गया, तो ये रेड हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बीजी करें, यहाँ पे लिखा हुआ है बीजी, तो आप बीजी पे क्लिक करें। ठीक है, तो बीजी का मतलब कि आप कौन कौन सा साइड हटाना है वीडियो से आप वो कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा साइड हटाना है, सॉरी माफ़ करना, माफ़ कीजिएगा, कौन कौन सा ये आपको हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बीजी पे क्लिक करके पूरा ऐसे करके अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि टच होगा तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए मैंने इसे कर दिया। ठीक है,
तो ये वाइट वाला लाइन को टच ना करे तो बेटर होगा, क्योंकि वाइट वाला लाइन टच करने पे वो वापस बोले या दोबारा ठीक से कीजिए, टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो ये हो चुका है, इसको कैसे अब देखना है, ये आप देखिए कैसे पूरा फोटो पीछे था, पूरा दिख रहा था इमेज आपके, कैसे ये पूरा ब्लर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने कर दिया, देखिए कैसे ये ब्लर हो गया। और ब्लूअर को भी आप शार्प कर सकते हैं, कितना लेवल पे करना है, कैसे करना है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, ना ब्लूअर लिखा हुआ है ना, ब्लूअर पे क्लिक करें, ब्लूअर को जो इफेक्ट है पूरा बढ़ा दें, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एज भी बढ़ा दें पूरा अच्छे से, ठीक है। ये देखिए कैसा, कितना अच्छा फोटो लग रहा है, मतलब पूरा DSLR से लिया हुआ फोटो है। तो ऐसे आप कोई भी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं DSLR की जैसे, और ब्लूअर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शायद आप समझ गए, अगर ना समझें तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ आप कैसे और ब्लूअर कर सकते हैं। तो ये होने के बाद आप सेव कैसे करें, सेव करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, वुड यू लाइक टू सेव, यू कैन चेंज इमेज साइज एंड सेटिंग्स, ओके। आपने ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फोटो सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। थोड़ा पेशेंस रखिए, मेहनत का फल मीठा होता है। क्योंकि ये ज़्यादा MB का फोटो है ना, तो ब्लूर होने पे थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ही ये हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा MB का इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये सेव हो रहा है, बोला ना थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ज़्यादा MB का हो जाता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, ये देखिए सेव हो गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, कितना मैंने और फोटो एडिट कर रखा है अपने फ़ोन में, ठीक है। दिखाता हूँ वो, ठीक है। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे और आपका बहुत अच्छे से एडिट होगा, देखिए देखिए मैंने ये फ़ोटो एडिट किया था, ये फ़ोटो देखिए, ये मैंने एडिट किया था होली का है, ये देखिए पूरा मैंने ब्लर किया हुआ, देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो आप भी अच्छे से ब्लर कर सकते हैं नॉर्मल फ़ोन से, अच्छा लगा ना। अगर आप अच्छे से परफेक्ट, तो वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू आज के लिए।